दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत का वो टॉप सीक्रेट वेपन जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाती हैं। भारत का वो टॉप सीक्रेट वेपन है काली, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान पीला पड़ जाता है। इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि पाकिस्तान इससे क्यों डरता है, आइए इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। ये एक बिना परछाई वाला हथियार टॉप सीक्रेट वेपन काली दुश्मन के क्षेत्र में दबे पांव ऐसे घुसता है, उसका ना तो विश्व का कोई रडार पकड़ सकता है तथा कोई इसके कदमों की आहट भी नहीं सुन पाता है। दुश्मन के क्षेत्र में तबाही मचाने के पश्चात यह वहां अपनी मौजूदगी के प्रमाण तक नहीं छोड़ता है। भारत का अदृश्य तरंगों वाला ये ब्रह्मास्त्र टॉप सीक्रेट वेपन काली कितना भयंकर व आवश्यक है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे जुड़ी कुछ भी सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है। भारत से अधिक काली की चर्चा पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जब यह अपना रौद्र रूप धारण करता है तो वह मां जगदम्बा काली से कम संहारक नहीं होता। आपको शायद ही ज्ञात हो कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के 11 सेक्टर में खतरनाक बर्फानी तूफान आया था तथा वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और इसके लगभग 140 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि इतना बड़ा पहाड़ तब तक नहीं गिर सकता था जब तक कि उसको काटा न जाए। उनका शक भारत पर है कि उसने अपने काली वेपन के माध्यम से इसको काटकर गिराया है। इसको आम जुबान में इस तरह समझा जा सकता है कि जिस तरह स्कूल के दिनों में बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से सूर्य की किरणों से दूर बैठकर कागज के टुकड़े को आग से जला दिया करते थे, काली भी कुछ इसी तरह काम करता है। यही वजह है कि उरी मामले के पश्चात अब पाक को डर सता रहा है कि कहीं भारत इस बार भी इस गोपनीय अस्त्र से ऑपरेशन व्हाइट वॉश को न दोहरा दे। बताया जाता है कि उस समय एयरक्राफ्ट से काले के माध्यम से ग्लेशियर पर बीम डालकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान पैदा किया गया था, फेल कर सेकंडों में गिरा सकता है। यही नहीं, इस बीम के माध्यम से अल्ट्रा वायलेट तथा सेटेलाइट को भी गिराया जा सकता है।